नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की 29वीं कॉन्फ्रेंस में बुधवार को 14 वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई। वर्कशॉप में आए दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना के डॉक्टर विवेक गुप्ता ने बताया कि वह एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन और CRRT परफॉर्म करते हैं। ACMO अभी देश में ज्यादा सेंटर में नहीं किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को इसके उपयोग के बारे में पता चल सकेगा और वे क्रिटिकल पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकेंगे। ACMO के जरिए क्रिटिकल मरीजों के हार्ट और लंग्स को सपोर्ट किया जाता है। यह एक लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट है जो लोगों को सांस लेने में तब मदद करता है जब वे अपने दम पर सांस लेने में असमर्थ होते हैं। आमतौर पर जब पेशेंट के हार्ट या लंग्स या दोनों को वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का एडवांस टाइप मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो शरीर से ब्लड को निकालता है, ऑक्सीजनेट करता है और उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।